और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रदूषण संबंधित ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा है। आप देखिए, दिवाली के दिन अगले दिन भी इतना AQI नहीं था, लेकिन अब लगातार AQI बढ़ता चला जा रहा है। द्वारका में 411, वजीरपुर में 411 AQI दर्ज किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रदूषण संबंधित बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हुई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और कई इलाकों में AQI बढ़ गया है। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा हुआ है। आनंद विहार में AQI 432, जहांगीरपुरी में 412 दर्ज किया गया, द्वारका में 411 AQI दर्ज किया गया है। ये इलाके वो हैं जहां पर 400 के पार AQI दर्ज किया गया है, और 400 के पार अगर AQI दर्ज किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, किस तरह से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो है जहरीली होती जा रही है, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ने की वजह से AQI भी बढ़ रहा है। दीपावली के अगले दिन भी AQI इतना दर्ज नहीं किया गया था, 400 के अंदर अंदर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्मॉग गन्स चलाई जा रही हैं और कई स्मॉग गन्स को हरी झंडी दिखाकर पहले भी रवाना किया जा चुका है, कई और स्मॉग गन्स भी रवाना की गई हैं, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि प्रदूषण में कोई कमी नहीं आ रही। स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव जगह जगह करवाया जा रहा है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह स्मॉग गन के जरिए जगह जगह पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि प्रदूषण में थोड़ी कमी आ सके, प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके। लेकिन ये भी कोशिश नाकाम साबित हो रही है और लगातार AQI जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब 400 के पार AQI पहुंच गया है, जो कि चिंताजनक है, अपने आप में परेशान कर देने वाला है, क्योंकि 400 के पार अगर AQI पहुंचा है तो हवा जाहिर तौर पर जहरीली होती जा रही है दिल्ली NCR की, और जब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ये जो वक्त होता है प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता जाता है, वो वक्त दमे के मरीज जो होते हैं, अस्थमा के मरीज जो होते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल ये वक्त हो जाता है, क्योंकि सांस लेने में परेशानी उनको होती है। और अगर सामान्य तौर पर भी देखा जाए तो लोगों को इस प्रदूषण के बढ़ने के बीच में सांस की दिक्कत होने लगती है, गले में खराश होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, और यही शिकायतें अब भी जनता की ओर से, लोगों की ओर से सामने आ रही हैं। ऐसे में बढ़ता प्रदूषण परेशानी का सबब अब बनता जा रहा है। दिल्ली NCR में हवा जहरीली होती जा रही है, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो दिल्ली में प्रदूषण किस तरह बढ़ा है, 25 अक्टूबर को AQI 270 रहा, 26 अक्टूबर को 255 हुआ, 29 अक्टूबर को बढ़कर 368 हुआ, 30 अक्टूबर को 307 और 328, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को 359 AQI हुआ। तो 25 अक्टूबर से आप देखिए लगातार ये बढ़ता चला गया। दिवाली के दिन 186 था, दिवाली के अगले दिन 359 AQI दर्ज किया गया। 2024 का ये रिकॉर्ड, 2023 की अगर बात की जाए तो दीपावली वाले दिन 202 AQI था, और दीपावली के अगले दिन देखिए बढ़कर ये 900 तक पहुंच गया था। फिर 2022 की अगर बात की जाए तो 312 दीपावली के दिन दर्ज किया गया था, और दीपावली के अगले दिन ये बढ़कर 326 हो गया। 2021 की बात अगर की जाए तो 382 दीपावली के दिन AQI दर्ज किया गया, लेकिन अगले ही दिन ये बढ़कर 432 हो गया। और ये जो पिछले सालों के रिकॉर्ड है उसमें आप देखेंगे कि 2023 ऐसा साल रहा जिसमें 202 तो दीपावली के दिन रहा, लेकिन 900 अगले दिन बढ़ गया।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता गोहित गुरुग्राम से जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से मेरे साथ राजीव अरोड़ा संवाददाता जुड़ गए हैं। दोनों से जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करते हैं जहां से मेरे साथ गोहित जुड़े हुए हैं। गोहित, गुरुग्राम का क्या हाल है? क्या AQI वहां पर फिलहाल दर्ज किया गया है? प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है? चलिए गोहित, मैं आपके पास लौटती हूँ। पहले मैं राजीव से भी एक बार पूछ लेती हूँ। राजीव, कुरुक्षेत्र के क्या कुछ हालचाल अभी चल रहे हैं? AQI वहां पर कितना दर्ज किया गया है और प्रदूषण क्या वहां पर बढ़ रहा है या फिर कमी उसमें देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए पहले पराली और अब पटाखों ने जो है जीना बहाल किया हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में 240 है। हालांकि हरियाणा के जो 10 शहर है वो प्रदूषित है। बहादुरगढ़ में जो है सबसे ज्यादा 335 और सोनीपत में 321। इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, कैथल, सिरसा, इनकी भी हालत कुछ सही नहीं है और यहाँ भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब दर्ज किया गया है। जी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार अब देखा जा रहा है कि जो नंबर्स हम देख रहे हैं इजाफा उसमें होता जा रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को भी कई समस्याएं हो रही हैं। अब गोहित, क्योंकि गुरुग्राम में भी अब ऐसा ही देखा जा रहा है कुछ हाल, AQI लगातार वहां पर भी बढ़ता जा रहा है, लोगों को समस्याएं काफी ज्यादा हो रही हैं, अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? चलिए ठीक है गोहित, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव, मुझे ये बताइए कि लोगों की ओर से किस तरह के रिएक्शंस अब सामने आ रहे हैं? क्या लोगों को परेशानियां हो रही हैं इस बीच जब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जब AQI में लगातार इजाफा होता जा रहा है, किस तरह की परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों में जो है जिस तरह से AQI बढ़ रहा है तो सांस लेने की समस्या आ रही है, उसके अलावा जो है आंखों में जलन है, उसके अलावा गले में खराश है। ये तीन समस्याएं जो है, डॉक्टर से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये तीन समस्याएं जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और इसमें जो है OPD में काफी इजाफा हो रहा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वो जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले और N95 मास्क का प्रयोग करें। हालांकि रविवार को जो है पराली जलाने के जो है कुछ नए मामले भी सामने आए हैं। अब तक जो है कैथल में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले 158 सामने आए हैं, कुरुक्षेत्र में 129, करनाल में 82 और अंबाला में 78। ये यानी पराली पहले जो इसके लिए जिम्मेदार थी, अब जो है पटाखों ने जो है जीना मोहल किया हुआ है और जिसकी वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफी बढ़ रहा है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल राजीव, एक तरफ तो दीपावली पर की गई आतिशबाजी भी बढ़ते प्रदूषण का कारण है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की ओर से जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, आप खुद बता रहे हैं कि कैथल में सबसे ज्यादा पराली जलाए जाने के केसेस सामने आए हैं, लेकिन अब इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यहाँ पर अवहेलना की जा रही है और साथ ही साथ सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कितनी भी अपील किसानों से की जा रही है, लेकिन फिर भी पराली जलाने के इसी तरह मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? किसानों पर क्या कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होने के बावजूद भी किसान क्यों इस तरह से पराली जला रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि किसानों पर कार्रवाई की जो बात है, पिछले 4 दिनों में जो है 50 नई FIR दर्ज हुई है, 7 किसानों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रेड एंट्री भी की जा रही है उनके खातों में और उन्हें उनको जो है फसल बेचने पर भी, जो आगामी 2 फसलें जो है बेचने पर भी मनाही रहेगी। अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है, लेकिन ये जो मामले थामे नहीं थम रहे हैं, किसान भी जो है मुखर हो रहे हैं। कल जो है किसानों ने कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत बुलाई है, इस महापंचायत में जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके खिलाफ जो है जो ये जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं वो FIR दर्ज करने की बात हो, रेड एंट्री की बात हो, वो जो ऐसे सहन नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल की जो है महापंचायत में क्या निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, क्योंकि पराली जलाने की वजह से भी काफी परेशानी हो रही है, काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। गोहित, मुझे ये बताइए गुरुग्राम के फिलहाल क्या हालचाल है? गुरुग्राम में AQI कितना है? बिल्कुल, अभी अगर गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में दिवाली की रात को AQI 600 के पार था। अगले दिन लोगों को राहत मिली, 200 करीब AQI जो है दर्ज किया गया, लेकिन जैसे जैसे हवा थमने लगी है गुरुग्राम धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील होने लगा है। इस वक्त हम गुरुग्राम के सबसे प्रदूषित जो एरिया है राजीव चौक, वहां पर मौजूद है और आप देखेंगे जैसे ही चौराहा खत्म हुआ है तो आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अब रोडों पर निकलने लगे हैं। राजीव चौक पे जाम की स्थिति बनती जा रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर ट्रैफिक की बहुत गंभीर समस्याएं रहती है
और साथ ही अगर बात करें, अगर ग्रेप टू के नियमों की बात करें, तो अब भी गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं आया है। ग्रेप टू के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अब भी कई सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, जिस जहां पर धूल उड़ रही है, जिसके कण हवा में जम जाते हैं, जिसको PM 2.5 कहा जाता है। और धीरे धीरे अगर इसी तरीके के हालात रहे तो गुरुग्राम में ग्रेप 3 और ग्रेप 4 भी लागू किया जा सकता है। अभी इस वक्त गुरुग्राम में धीरे धीरे प्रदूषण के स्तर की बात करें तो हालात धीरे धीरे पद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, अगर इसी तरह प्रदूषण बढ़ता चला गया, AQI जो है इसी तरह इजाफा उसमें देखने को मिला, तो जाहिर तौर पर ग्रेप 3 और ग्रेप 4 लागू किए जाने के हालात भी यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से अब कड़े तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है ग्रेप 2 के नियमों का, ऐसा क्यों, आखिर क्यों प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अब तक अभी फिलहाल बहुत बड़ा मामला ये है, बहुत बड़ा मुद्दा ये है और बहुत बड़ी परेशानी लोगों के लिए ये बन गई है। ऐसे में प्रशासन की प्रायोरिटी पर ये बात होनी चाहिए कि जो भी गड्ढे हैं या फिर ग्रेप 2 के तहत जो भी नियम है उनका पालन कड़ी से कड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से क्यों इसमें लापरवाही की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, दिवाली की रात को AQI 600 के पार पहुंच गया था और उसके बाद अगर अगले दिन की बात करें तो AQI लेवल वो कम था जिसमें गिरावट देखने को मिली, तो प्रशासन ने सोचा कि अगर AQI लेवल में गिरावट आई है तो प्रशासन थोड़ा सुस्त नजर आया। उन्होंने वो तेज हवाओं की वजह से गुरुग्राम का जो प्रदूषण था वो मूव कर रहा था, जिसकी वजह से प्रशासन भी निश्चिंत नजर आया। पर जैसे जैसे दिन बीते और अब प्रदूषण में जो बढ़त आई है, AQI लेवल जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जो है अब अभी तक नींद से नहीं जगा है। और बात करें अगर हम गुरुग्राम में ग्रेप 2 के नियमों के लागू होने की, तो अब भी गुरुग्राम में कई ऐसी जगह है जहां लगातार कूड़ा जलाया जा रहा है, स्प्रिंकलिंग मशीन है, एंटी स्मोक गन्स है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, पर वो उतनी मात्रा में नहीं किया जा रहा जिस मात्रा में अभी गुरुग्राम के प्रदूषण की रोकथाम के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन साइट्स की, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है। और साथ ही अगर बात करें, अगर दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने की बात करें, तो ग्रीन पटाखों के नाम पर दिवाली पे जमकर पटाखे फोड़े गए। बिल्कुल गोहित, क्योंकि प्रशासन को इन बातों पर ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रशासन की ओर से इस तरह लापरवाही की जाएगी, अनदेखी की जाएगी, तो जाहिर तौर पर ये मामले लगातार बढ़ते जाएंगे, प्रदूषण में इजाफा होता जाएगा और AQI भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने ही। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।